तीन बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर पीसी जो कि एकदम फ्री में अवेलेबल है और वहां पे आप लोग एकदम जबरदस्त वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, हाई क्वालिटी की वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं आएगा, कोई वाटरमार्क का झंझट है ही नहीं। तीनों वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एकदम फ्री में अवेलेबल है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये तीनों वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन से है। बात करें अगर हम लोग पहले वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, तो उसका नाम है क्लिपचैम्प। ये आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। अगर आप लोग विंडोज 11 यूजर हो तो आप लोग बस अपने पीसी में वहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल दिखाई देगा क्लिपचैम्प वीडियो एडिटर। अगर आप लोगों के पीसी में प्री इंस्टॉल नहीं है या फिर आप विंडोज 10 यूजर हो तो आप लोग सिंपली यहाँ पे अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा सकते हो अपने पीसी में, वहाँ पे क्लिपचैम्प सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद में वहाँ पे आप लोग इस वीडियो एडिटर को इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली अपने पीसी में। इंस्टॉल करने के बाद जब आप लोग इस वीडियो एडिटर को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहां पे आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो एकदम सिंपली। यहां पे आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद ये वीडियो एडिटर का इंटरफेस कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहां पे आप लोग अपनी क्लिप्स को, जो भी आपकी वीडियो फाइल ऑडियो फाइल है, उनको यहां पे इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में अपनी वीडियो फाइल्स और ऑडियो फाइल्स को यहां पे आप लोग सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो टाइमलाइन में, मल्टीपल लेयर्स में भी आप लोग चाहो तो। ऊपर अगर वीडियो के ऊपर वीडियो या फिर फोटोज वगैरह रखना है तो वो भी आप लोग रख सकते हो। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक रिकॉर्ड एंड क्रिएट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप लोग अपना स्क्रीन एंड कैमरा, अगर आपको एक साथ रिकॉर्ड करना है फेस कैम और अपना स्क्रीन कैप्चर दोनों करना है वो कर सकते हो। खाली कैमरा कैप्चर करना है तो वो भी कर सकते हो अपना फेस कैम, खाली स्क्रीन कैप्चर करना है तो वो यहां पे कैप्चर कर सकते हो। टेक्स्ट टू स्पीच का भी यहां पे ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है अगर आप लोग यूज करना चाहो तो। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको टेम्पलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपको बने बनाए काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यहां पे पहले आपको कैटेगरीज दिखाई देगी काफी सारी डिफरेंट। यहां पे अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको बहुत ही अमेजिंग टेम्पलेट्स जो है बने बनाए वो दिख जाएंगे, जिनको आप लोग अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा प्रोफेशनल लुकिंग और एकदम जबरदस्त बना सकते हो। म्यूजिक एंड एसएफएक्स का भी यहां पे इस वीडियो एडिटर में ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप लोगों को फ्री में बैकग्राउंड के लिए म्यूजिक मिल जाएगी जिसको आप लोग अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं है, सिर्फ प्लस पे क्लिक करो आपके टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। यहां पे आपको ये डायमंड आइकन वाले भी कुछ म्यूजिक दिखाई देंगे जो कि यहां पे फ्री में आप लोग यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट फ्री में भी यहां पे काफी सारे म्यूजिक जो है वो अवेलेबल है। यहां पे आप लोगों को स्टॉक वीडियोस भी मिल जाएगा जिसको आप लोग यूज कर सकते हो अपने वीडियोस में। यहां पे आप लोगों को ऐसे सब्सक्राइब वगैरह वाला जो ये सारी चीजें है, ये भी आपको स्टिकर्स वगैरह टाइप के जो है वो मिल जाएंगे जिनको आप लोग अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। स्टॉक इमेजेस की भी बात करें तो वो भी आप लोगों को इस वीडियो एडिटर में ही मिल जाएगा, बाहर सर्च करने की कोई जरूरत नहीं, बाहर से ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट में आप लोग यहां पे आके अलग अलग टाइप के यहां पे बने बनाए से टेक्स्ट के भी टेम्पलेट मिल जाएंगे जिनको आप लोग यूज कर सकते हो अपने वीडियो में, अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो। यहां पे आप लोग अगर ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहां पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे जिसको यूज करके आप लोग अपने वीडियो को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ट्रांजिशन भी यहां पे भर भर के मिल जाएंगे, ये तो कॉमन चीज है, ट्रांजिशन हर वीडियोस में आपको मिल ही जाते हैं। यहां पे राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखोगे किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके तो यहां पे आपको और भी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आप लोग ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हो, फेड इन फेड आउट ये सारी सेटिंग कर सकते हो। यहां पे आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जो आप लोग अपने वीडियोस पे अप्लाई कर सकते हो। यहां पे अगर कलर करेक्शन करना चाहो बेसिक तो वो भी आप लोग कर सकते हो। वीडियो की स्पीड वगैरह को एडजस्ट करना चाहो तो वो भी आप लोग यहां से एडजस्ट कर सकते हो। सारी एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद में आप लोग सिंपली ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, यहां पे आप लोग 1080p तक एक्सपोर्ट वीडियो को कर सकते हो। और हां, 1080p में भी एक्सपोर्ट करोगे तो भी कोई वाटरमार्क जो है वो आपको नहीं देखने मिलेगा यहां पे, तो वाटरमार्क का कोई टेंशन मत लो। अब हम लोग बात करें अगर अपने सेकंड वीडियो एडिटर की, तो उसका नाम है कैपकट। ये वीडियो एडिटर डाउनलोड करने के लिए भी आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा सकते हो अपने पीसी में, और वहां पे आप लोग कैपकट सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद में वहां पे आपको ये एप्लीकेशन वीडियो एडिटर दिखाई देगा, वहां पे आप लोग सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करके फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, आपको कुछ ऐसा वीडियो एडिटर का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग अपनी क्लिप्स को इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर लो, सेम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह आप लोग यहां पे भी कर सकते हो वो सारी चीजें। और उसके बाद में यहां पे अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहां पे आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देंगे, जहां पे ऑडियो का ऑप्शन यहां पे भी आपको मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स जो है, जो कुछ भी आपको ऐड करना है वो यहां पे आपको फ्री में मिल जाएगा इसी वीडियो एडिटर में। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आके आप लोग अपने वीडियो में टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, काफी अलग अलग टाइप के यहां पे आपको टेक्स्ट भी मिल जाएंगे जिनको आप लोग सिंपली क्लिक करके अपने वीडियो में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। टेक्स्ट वगैरह भी एकदम मस्त दिखने वाले ऐड कर सकते हो अपने वीडियो में। अगर हम लोग यहां पे बात करें और भी ज्यादा ऑप्शंस की, तो यहां पे टेक्स्ट टेम्पलेट्स में और भी ज्यादा ऑप्शन है, जहां पे आपको और भी डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट के टेम्पलेट जो है वो मिल जाएंगे, इनको भी आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पे स्टिकर्स का आपको देखने मिल जाएगा, जहां पे आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स जो है वो आपको इस वीडियो एडिटर में मिल जाएंगे, इनको भी यूज कर सकते हो आप लोग अपनी वीडियो में और वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इफेक्ट्स वाले टैब में आपको बहुत
सारे इफेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको आप लोग यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ये कोई इफेक्ट्स यहाँ पे पेड नहीं है, सब फ्री में है। क्लिक करो, डाउनलोड करो और यूज करो अपने वीडियो पे। ट्रांजिशन में यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन भी मिल जाएंगे। फिल्टर्स में आपको और ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट में आप लोग कस्टम एडजस्टमेंट कर सकते हो, लट्स वगैरह जो है वो एड कर सकते हो अपने वीडियो में। किसी भी वीडियो क्लिप को यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा ऑप्शन जो है एडिटिंग के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग जैसे अगर आपको की फ्रेमिंग करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करो, उसके बाद फॉरवर्ड करो, एक और की फ्रेम ऐड करो। यहाँ पे साइज वगैरह जो है वो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसका वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी करना है। उसके बाद में आप लोग अगर प्ले करके देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जूम इफेक्ट जो है वो आ चुका है अपने वीडियो पे। सेम इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगी जिसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, एनिमेशन ट्रैकिंग एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे इस वीडियो एडिटर में कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। कटआउट वाला ऑप्शन में अगर आप लोग जाओगे वीडियो में तो वहां पे आप लोग ये ग्रीन स्क्रीन वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मतलब फीचर्स की कोई कमी नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे, इनको आप लोग यूज कर सकते हो और अपनी वीडियो को जितना इंटरेस्टिंग चाहे, जितना एकदम हाई लेवल की एडिटिंग चाहे आप लोग उतना यहाँ पे कर सकते हो कैपकट वीडियो एडिटर में भी। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा इस वीडियो एडिटर को एक्सप्लोर करना है, आपको काफी ज्यादा फीचर्स इस वीडियो एडिटर में मिल जाएगा। क्लिप चैम से थोड़े ज्यादा वीडियो एडिटिंग के फीचर्स यहाँ पे आपको इस कैपकट सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, इसलिए थोड़ा क्लिप चैम से एडवांस है। ये चाहो तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। और इस वीडियो एडिटिंग में भी अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो एडिटर में भी आप लोग अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजोल्यूशन को आप लोग 4K तक सिलेक्ट कर सकते हो, 4K क्वालिटी तक की वीडियो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो एडिटर से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करें अपने थर्ड वीडियो एडिटर की, जो कि सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर है और सबसे एडवांस वीडियो एडिटर है इन तीनों वीडियो एडिटर में से। एक हिसाब से कहें तो ये सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर है पूरे प्लेनेट पे, चाहे आप फ्री वीडियो एडिटर्स की बात करो चाहे आप पेड वीडियो एडिटर्स की बात करो। ये फ्री में अवेलेबल है लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो एडिटर है, आप लोग को क्या बताऊं मैं। तो इसका नाम है डाविंसी रिजॉल्व। इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग सिंपली गूगल पे सर्च कर लो डाविंसी रिजॉल्व, आपको ये वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। क्लिक करो, इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे आने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री डाउनलोड नाउ पे क्लिक करो। विंडोज मैक लिनक्स जो भी आप यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने ऐसा फॉर्म आ जाएगा, अपनी डिटेल्स फिल करो, रजिस्टर एंड डाउनलोड पे क्लिक करो, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप लोग इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप लोग सिंपली नीचे न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा आप लोगों को, वहां पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। वहां पे क्लिक करने के बाद में आप लोग अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम देके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके अपना वीडियो एडिटर ओपन कर सकते हो। उसके बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहां पे आप लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, टैब्स दिखाई देंगे। जहां पे पहले टैब पे अगर आप लोग जाओगे मीडिया टैब पे तो यहाँ पे आप लोग अपनी मीडिया ऐड कर सकते हो अपने स्टोरेज में से। यहाँ पे कोई भी स्टोरेज में आप लोग जा सकते हो अपने और वहां से अपनी मीडिया ऐड कर सकते हो, वीडियो और ऑडियो फाइल। या फिर आप लोग डायरेक्ट कट वाले ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद आप लोग अपने डायरेक्टली अपने पीसी में से भी किसी भी फोल्डर में से ड्रैग एंड ड्रॉप भी अपने वीडियो क्लिप्स वगैरह को कर सकते हो, डायरेक्ट उठाओ और डाल दो। ऐसे आप लोग ऑडियो क्लिप्स को भी यहाँ पे डाल सकते हो, अपनी ऑडियो फाइल वगैरह को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आप सिंपली किसी भी वीडियो फाइल को यहाँ पे कट टैब में आप लोग बेसिक कट्स जो होते हैं वो आप लोग यहाँ पे कट टैब में लगा सकते हो। अपनी सारी वीडियो क्लिप्स को उठाओ, ड्रैग करो टाइमलाइन में और वहाँ पे बेसिक कट्स आपको जो भी लगाने हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो कट वाले टैब में, यहाँ पे जो नीचे कट वाला टैब है इसमें। उसके बाद यहाँ पे एडिट टैब आपको देखने मिलेगा, वहां पे आप लोग क्लिक करोगे तो जो भी कट्स आपने लगाया वो यहाँ पे एडिट टैब में भी आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोग थोड़ी आगे की एडवांस लेवल की एडिटिंग वो आप लोग एडिट टैब में यहाँ पे आके कर सकते हो। अब यहाँ पे एडिट टैब में आप लोगों को दो विंडो दिखाई देगी यहाँ पे, बट आप लोग को अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, सिंगल विंडो हो जाएगा, तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा और आप लोग एडिटिंग कर पाओगे यहाँ पे इजीली। ऊपर इफेक्ट्स का टैब मिल जाता है जहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो ट्रांजिशन, ऑडियो ट्रांजिशन, टाइटल जनरेटर, इफेक्ट्स, ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको और ज्यादा फिल्टर्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, ऑडियो इफेक्ट्स वगैरह सब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा इफेक्ट्स पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे। ऊपर राइट हैंड साइड पे इंस्पेक्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा सेटिंग्स जो है वो मिल जाएगी। किसी भी वीडियो या फोटो को सिलेक्ट करो, उसके बाद में इंस्पेक्टर वाले टैब में जो भी सेटिंग्स है इनको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग की फ्रेमिंग जो है वो कर सकते हो, की फ्रेम ऐड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे उसके एक्स वाई एक्सिस को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो, या फिर जेड एक्सिस पे अगर आपको अपनी क्लिप्स वगैरह को थोड़ा एडजस्ट करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे नीचे कर सकते हो। पिच वाले ऑप्शन को ऐसा थोड़ा इधर उधर करके, यो वाले ऑप्शन को इधर उधर करके, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। और भी एडवांस्ड यहाँ पे सारे जो स्टेबलाइजेशन, लेंस करेक्शन, रियल टाइम स्केलिंग, बहुत सारा एडवांस फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा एडिटिंग का। ऑडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो ऑडियो रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो आपको मिल जाएगी। इफेक्ट्स और ट्रांजिशन, इमेज का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आपने अपने वीडियो में ऐड किया हुआ है तो। नीचे आपको नेक्स्ट टैब दिखाई देगा फ्यूजन का, ये जो टैब है ये है एडोबी का। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में जो जो चीजें आप लोग कर सकते हो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे फ्यूजन वाले टैब में कर सकते हो, आफ्टर इफेक्ट्स वाला सारा काम।
तो वो सारी चीज आप लोग यहाँ पे फ्यूजन वाले टैब में कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट टैब की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कलर का टैब आता है, अगला वाला। यहाँ पे आप लोग अपनी पूरी वीडियो की कलर करेक्शन वगैरह जो कुछ भी करना है वो आप लोग ये टैब में, कलर वाले टैब में आके कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये सॉफ्टवेयर जो है ना डाविंसी रिजॉल्व, ये सबसे ज्यादा फेमस कलर करेक्शन के लिए ही है। इसका कलर करेक्शन बेस्ट है, मतलब आप अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कलर करेक्शन वाला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अगर हम लोग बात करें तो वो है डाविंसी रिजॉल्व। तो यहाँ पे आप लोग कलर टैब में आके अपना कलर करेक्शन वगैरह जो है वो सारी चीजें कर सकते हो। अब नेक्स्ट टैब की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टैब है फेयर लाइट वाला। यहाँ पे आप लोग ऑडियो रिलेटेड सारी जो सेटिंग्स है वो कर सकते हो। अपनी वीडियो में जो भी ऑडियो है आपकी, उसको जितना भी इंप्रूव करना है वो आप लोग यहाँ पे फेयर लाइट में आके इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे ऑडियो को इंप्रूव करने के बाद फाइनली आप लोग डिलीवर टैब में आ सकते हो और यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को अपने हिसाब से कर सकते हो, रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट्स वगैरह को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और फाइनली अपने वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप लोग जितनी हाई क्वालिटी में करना उतनी हाई क्वालिटी में 8K तक के रिजोल्यूशन की वीडियो आप लोग यहाँ पे डाविंसी रिजॉल्व से एक्सपोर्ट कर सकते हो और बिल्कुल फ्री है, कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं आता है ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी। बस ये थे तीन बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में अवेलेबल है पीसी के लिए। इनमें से कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।